नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद जानकारी से हम आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली दौरा, सीएम सुक्खू ने प्रधानमंत्री से यहां पर मुलाकात की है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद यहां पर राहत राशि की मांग की गई है। बेहद जानकारी, पीएम ने हर संभव मदद का यहां पर आश्वासन दिया है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री से सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुलाकात की है। प्रधानमंत्री की ओर से हर संभव का यहां पर आश्वासन दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, बेहद अहम जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद करने का यहां पर आश्वासन दिया है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश आज प्रदेश के निर्माता और अपने पहले सीएम डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती मना रहा है। जब भी हिमाचल निर्माण या इसका विकास की बात होगी, यशवंत परमार का नाम अग्रिम श्रेणी में लिया जाएगा। जब उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया था तो शिमला से एचआरटीसी की बस में सवार होकर अपने घर चले गए थे। हिमाचल प्रदेश में धारा 118 इन्हीं की देन है। हिमाचल के निर्माता को जाने, 4 अगस्त 1906 को डॉक्टर यशवंत सिंह का जन्म हुआ था। उन्होंने एलएलबी और पीएचडी की पढ़ाई की थी। तो वही डॉक्टर परमार साल 1952 में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार पर्यावरण प्रेमी थे। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने में यशवंत सिंह की मुख्य भूमिका थी। 25 जनवरी 1971 को उनकी मेहनत रंग लाई, तो वहीं 24 जनवरी 1977 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। 2 मई 1981 को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का निधन हो गया। दुनिया छोड़ी तो बैंक में सिर्फ 563 रुपए था बैलेंस। वहीं शिमला के रिज मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां यशवंत सिंह परमार की प्रतिमा पर पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने एक साथ श्रद्धा सुमन अर्पित किए और हिमाचल निर्माण में यशवंत सिंह परमार के योगदान को याद किया गया। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी का एक बहुत बड़ा योगदान हिमाचल वासियों के लिए रहा है। हिमाचल को राज्य का दर्जा दिलाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उस योगदान को आज हम स्मरण करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर हम आगे बढ़ करके हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। आज के इस अवसर पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए, उनके योगदान को स्मरण करते हुए मुझे सिर्फ इतना कहना है। आज के हिमाचल के बनने में जो आधारशिला रखी गई वो उनके द्वारा रखी गई। उनके द्वारा उस समय के जो आंदोलन हुए उनका नेतृत्व किया उन्होंने, तो आज का जो वर्तमान स्वरूप ऑफ जो हिमाचल प्रदेश है वो डॉक्टर परमार के अपने योगदान के फलस्वरूप है। और आज के इस मौके पर हम दिल से, दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हिमाचल निर्माता यश परमार की उनकी जयंती पर गृह जिला सिरमौर में भी याद किया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने भी हिमाचल निर्माता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि डॉक्टर वाईएस परमार का हिमाचल के लिए अविस्मरणीय योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा हिमाचल को विकसित प्रांत के रूप में आगे बढ़ाते हुए अलग पहचान दी है। हिमाचल प्रदेश डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। हिमाचल निर्माता के रूप में जाने जाने वाले डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का हिमाचल के लिए योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने सदैव हिमाचल को एक विकसित प्रांत के रूप में, पहाड़ी राज्यों के मार्गदर्शक के रूप में ऐसा विचार किया, चिंतन किया, दिशा दी। आज लंबे समय के बाद भी उनके द्वारा दिखाया गया मार्ग सदैव अनुकरणीय रहेगा। हिमाचल में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष में राजनीतिक बयानबाजी भी उतनी ही तेजी से जारी है। हालिया बयान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का सामने आया है,
जिसमें उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर राहत के पैसों का बंदरबांट करने का आरोप लगाया है। यहां तक कि केंद्र से मिल रहे सहयोग का आभार न जताकर एहसान फरमोश होने तक का आरोप दिया है। इसके पीछे का तर्क देते हुए राजीव बिंदल ने कहा कि इस डिजिटल युग में राहत का पैसा खातों में न डालकर कैश के रूप में दिया जा रहा है, लिहाजा धोखाधड़ी की संभावना है। और आपदा के समय के अंदर, जैसा मैंने पहले शब्द से और अंतिम शब्द तक कहा, भारतीय जनता पार्टी और जनमानस के साथ खड़ी है और सरकार के साथ पूरी तरह तन्मयता के साथ खड़ी है। हिमाचल प्रदेश की सरकार जिस तरह से व्यवहार कर रही है, ये व्यवहार उचित नहीं है। हिमाचल की जनता के साथ एक छल है। वहीं भाजपा विधायक दल की बैठक को लेकर की नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपदा के इस दौर में किस तरह से भाजपा विधायक दल आगे क्या करने जा रहा है, इसको लेकर एक बैठक जो है विधायक दल की गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है। विधायक दल की बैठक हुई, क्या क्या उस बैठक के अंदर दौरान चर्चा की? सभी जगह नुकसान हुआ है और कुछ जगह ज्यादा हुआ, कुछ जगह कम हुआ, ये बात अलग है, लेकिन सभी विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्या का जिक्र किया, चिंता भी व्यक्त की और उन सारी बातों पर चर्चा हुई और किस प्रकार से हम उन लोगों की मदद करने के लिए वहां पर काम कर रहे हैं, उन सारी बातों को लेकर के सब लोगों ने जिक्र किया है और हमने कहा अभी और भी काम करने की आवश्यकता है, मदद करने की आवश्यकता है। एक महीने के वेतन को देने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सरकार जो है वो पहले ही अपने विधायकों की बात कर चुकी है, भाजपा ने अब किया, कैसे और क्या चर्चा? देखिए, वो एक निर्णय किया है और जिसमें एक महीने का विधायक जो है वो सभी भारतीय जनता पार्टी के अपने सैलरी देंगे। इसके अलावा विधानसभा सत्र जो है वो नहीं बुलाया जा रहा है, लगातार ये मांग भाजपा की तरफ से की जा रही है, किस तरह से आप देखते हैं ना बुलाने पीछे क्या वजह? नहीं देखिए, हम उस बारे में अभी तक सेशन जनरली 15 अगस्त के बाद होता है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी सेशन होना चाहिए और इस बार जल्दी सेशन हो तो जल्दी हम डिस्कस करके बाहर प्रभावित इलाकों की समस्याओं का जिक्र कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, साफ तौर पर कह रहे हैं विधानसभा का सत्र जो है वो जल्द बुलाया जाना चाहिए और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में अब भाजपा भी बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए जो है वो अपना एक महीने का वेतन की तैयारी जो है वो यहाँ पर कर दिया और जैसे ही मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश लौटेंगे उनको एक चेक जो है वो यहाँ पर दिया जाएगा। कैमरा से रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी शिमला। वहीं बैठक के बाद भाजपा के विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इस बार बारिश में भारी नुकसान हुआ है और कई कीमती जानें इस आपदा में गई है। उन्होंने कहा कि इस आपदा की घड़ी में सरकार राजनीति कर रही है जबकि केंद्र सरकार द्वारा दिल खोलकर यहां पर मदद किया जा रहा है। कहा गया कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने तुरंत प्रभाव से NDRF की बटालियन भेजकर, हेलीकॉप्टर भेजकर और 360 करोड़ रुपए की राहत राशि भेजकर हिमाचल सरकार का सहयोग किया है, उसके लिए भाजपा विधायक दल उनका आभारी है। और अब जिस तरह से 800 करोड़ का स्पेशल असिस्टेंट हिमाचल प्रदेश को मिला और साथ ही आदरणीय नितिन गडकरी जी ने हिमाचल आकर 4 लेन नेशनल हाईवे की रिपेयर्स की जिम्मेवारी ली, 400 करोड़ जो है CRF में देने का वायदा किया और अन्य अनेक तरह से सहयोग किया भी और करने का वायदा भी किया, उसके लिए उनका भी विशेष रूप से धन्यवाद किया गया। प्रस्ताव में प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया गया कि इस सरकार ने आपदा से भी राजनीति की। तो अगली बड़ी खबर की ओर करेंगे, इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, IGMC में MRI को तरस रहे लोग, ये बड़ी खबर। IGMC में चरमराई सुविधा, IGMC में लगातार घंटों इंतजार करना पड़ रहा है MRI कराने के लिए। तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने, घंटों इंतजार के बाद भी मरीज यहाँ पर खाली हाथ लौट रहे, स्टाफ ने मशीन खराब होने का यहाँ पर हवाला दे रहे, निराश मरीजों ने अस्पताल की पर्ची फाड़ी। ये बेहद जानकारी आपको शिमला से बता रहे, राजधानी शिमला में इस तरह के मामला लगातार। IGMC में MRI के लिए लोग परेशान हो रहे हैं, घंटों इंतजार के बाद भी मरीज MRI नहीं करा पा रहे हैं।
बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने। स्टाफ ने मशीन खराब होने का यहां पर हवाला दे रहे हैं निराश मरीजों ने, अस्पताल की यहां पर पर्ची भी फाड़ी। ये बेहद अहम जानकारी राजधानी शिमला से आपको बता रहे हैं। आईजीएमसी में एमआरआई के लिए लोग तरस रहे। हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा शिमला से जुड़ चुके हैं। रॉबिन, जिस तरह से आईजीएमसी में एमआरआई के लिए लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद भी खाली हाथ लौट रहे हैं, रॉबिन? जी बिल्कुल, और इसको लेकर जो है एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो लोग है उसमें अपना दर्द बयान कर रहे हैं। देखिए, सुबह से लेकर ये लोग जो है आईजीएमसी में एमआरआई के लिए वेट कर रहे थे। इनको उस दिन की डेट दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद उनके जो है एमआरआई नहीं हो पाए। अब इसको लेकर जो वीडियो में लोग हैं वो प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पहली बार नहीं है जब इस तरह का मामला जो है आईजीएमसी से देखने को मिला है। पहले भी इस तरह के कई मामले देखने को मिले हैं जहां पर प्रशासन पर जो है सवाल उठे हैं आईजीएमसी पर। तो वहीं इस मामले में भी देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं वो सुबह से जो है वेट कर रहे थे, तकरीबन रात 9 बजे तक वो लोग वहां पर इंतजार करते रहे, लेकिन जो एमआरआई के लिए उनको नहीं बुलाया गया। हालांकि प्रशासन की ओर से ये कहा गया कि जो एमआरआई मशीन है वो खराब है, और वहां पर जो लोग हैं वो वीडियो में ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी पर्चियां भी जो है वो फाड़ दी गई। तो ऐसे में जो लोग हैं उनका सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर मशीन खराब थी तो उन्हें क्यों बुलाया गया, और अगर बुलाया गया तो उनके एमआरआई नहीं हुए और देर रात तक वो इंतजार करते रहे। तो इस तरह के सवाल है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा गंभीर सवाल प्रशासन पर वहाँ पर लोग लगा रहे हैं वो है कि यहाँ पर अप्रोच के तहत लोगों को जो है तरजीह दी जा रही है, और आम लोगों को जो है वहाँ पर जो आम लोग आम मरीज है उनको वहाँ पर एमआरआई नहीं किया जा रहा है। जी रोबिन शर्मा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त की बेहद जानकारी से आपको अपडेट करवाएंगे। नेशनल हाईवे 5 से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। ये बड़ी खबर, अपनी जान जोखिम में डालकर राहगीर जा रहे हैं पहाड़ के किनारे से पार कर रहे हैं सड़क। तो आपको बता दें कि सड़क धंसने से ये हाईवे टूट गया था, जिसके बाद अब यहां पर नेशनल हाईवे से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें अपनी जान जोखिम में डालकर राहगीर सड़क पार कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर पहाड़ से सटकर पार कर रहे हैं सड़क राहगीर। कई मीटर लंबा यहां पर स्ट्रेच कर रहे हैं पार। तो ये बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। सोलन से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नेशनल हाईवे 5 से हैरान कर देने वाला ये वीडियो सामने आया है। लगातार जोखिम भरा यह सफर है, पहाड़ से सटकर पार कर रहे हैं सड़क। तो आपको बता दें कि यहां पर सड़क धंसने से हाईवे टूट गया था। जनता टीवी आप सभी से अपील करता है कि किसी भी तरह से अपनी जान जोखिम में ना डालें। प्रशासन लगातार सड़क बहाली का काम कर रहा है, लिहाजा प्रशासन की ओर से वैकल्पिक मार्गों की लिस्ट यहां पर जारी की है। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि प्रशासन की ओर से जारी किया गया नया रूट। शिमला में वाया कुनिहार नालागढ़ पिंजौर मार्ग पर पार करें चंडीगढ़ जाने वाले वाहनों को नाहन रोड से डायवर्ट किया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि हल्के वाहन जोहड़ी वाया कमाली मार्ग का, हल्के वाहन परवाणु वाया कसौली धर्मपुर मार्ग का, तो वहीं आपको बता दें कि भारी वाहन काला अंब नाहन वाया कुमारटी मार्ग का प्रयोग करें। तो अगली बड़ी खबर से आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है शिमला से, इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। कॉलोनी में घर के ऊपर गिरा पेड़, विकास नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की घटना सामने आई है। बेहद अहम जानकारी शिमला से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। विकास नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की घटना है। भवन के ऊपर की टंकियां पूरी तरह टूट गई है। मौके पर पहुंचे हैं महापौर सुरेंद्र चौहान। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपके सामने शिमला में इस वक्त की बेहद अहम जानकारी। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। कॉलोनी में घर के ऊपर पेड़ गिर गया है। तो आपको बता दें कि विकास नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की एक घटना है। जैसे मुझे मालूम हुआ, आज डॉक्टर परमार की जयंती के बाद मैं यहाँ स्पॉट पे आया। रचना जी ने मुझे यहाँ पे सारा निरीक्षण भी कराया, और हमने स्पॉट पे मेरे साथ हमारे ट्री कमेटी के जो मेम्बर है आलोक पठानिया,
वो भी मेरे साथ विजिट किया और हमारे SDM जो है रूलर और अर्बन मेरी सभी से मेरी बात हुई है, सभी ने एक मत से हमने इसका संज्ञान लिया और स्पॉट पे हमने फैसला किया कि एक सूखा पेड़ है उसको भी बहुत इमीडिएटली निकालना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ एक पेड़ रात को जो गिरा हुआ था उसको भी हमने हटा रहे हैं। तो ये शिमला से बड़ी खबर, कॉलोनी में घर के ऊपर पेड़ गिरा है जिससे यहाँ पर विकास नगर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की ये घटना है। तो आपको बता दें कि भवन के ऊपर टंकियां पूरी तरह से यहाँ पर टूट गई हैं, नुकसान पहुंचा है। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, जिस तरह से शिमला से ये खबर आ रही है कि कॉलोनी में घर के ऊपर पेड़ गिर गया है जिससे नुकसान पहुंचा यहाँ पर, पहले भी अक्सर बरसात के मौसम में या जब भारी बारिश जो है वो शिमला शहर के आसपास या शिमला शहर में होती है तो इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार देखने के लिए मिलती है। और विशालकाय जो बड़े देवदार के पेड़ हैं वो खतरे की तरह जो है मंडरा रहे हैं लोगों के घरों के ऊपर, और कई ऐसी सैकड़ों घटनाएं जो है वो हुई हैं और कई बार तो जानी नुकसान तक भी इसमें दर्ज हुआ है। लेकिन आज की जो घटना है, क्योंकि बीते रात ही जो बारिश यहाँ पर हुई थी उसके कारण भूस्खलन हुआ और एक बड़ा पेड़ जो है वो एक मकान की छत पर गिर गया। विकास नगर इलाके की ये घटना है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जो है एक मकान की छत पर ये पेड़ गिरा है, विशालकाय पेड़ है। गनीमत ये रही कि कोई जानी नुकसान जो है वो इस घटना के बीच में नहीं हुआ है, और हालांकि मकान को जो है वो बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। तो लोग खतरे की जद में है, खौफ की जद में है, और लगातार रात भर जो है वो लोग घरों से बाहर ही रहे और ये देखते रहे, क्योंकि आसपास के और भी बड़े ऐसे पेड़ हैं जिनके गिरने की संभावना जो है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। जिस पर जब ये सूचना जो है सुबह के समय वन विभाग को दी गई तो वन विभाग के लोग मौके पर पहुंचे और उस पेड़ को वहां से हटाने के लिए जो है वो उनके प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच शिमला नगर निगम के जो मेयर हैं, शिमला शहर के जो मेयर हैं, वो मौके पर पहुंचे और तुरंत आसपास के जो पेड़ हैं जो खतरा बने हुए हैं, कभी भी गिर सकते हैं और जिससे कोई बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर हो सकता है, तो इस हादसे से बचने के लिए अब उन पेड़ों को काटने के निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। लिहाजा इस तरह की घटना आगे कोई ना घट जाए, क्योंकि अक्सर जो नगर निगम की परिधि के अंदर जो ये पेड़ होते हैं इस तरह से जिनका गिरने की संभावना जो है वो अक्सर यहाँ पर बन जाती है और कई बार तो बड़े मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाते हैं, लोगों के घरों के ऊपर पेड़ जो है वो अक्सर गिरते हैं और कई तरह की जानी नुकसान की सूचना भी जो अक्सर देखने के लिए मिलती है। कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए इसको देखते हुए नगर निगम प्रशासन और मेयर ने अब ये तय किया है कि ऐसे जो पेड़ होंगे उनको तुरंत प्रभाव से जो है वो काटा जाना चाहिए ताकि बड़े नुकसान या बड़ी कोई घटना जो है उससे बचा जा सके। जी विकास शर्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ऊना में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जिला राहत एवं पुनर्वास समिति की बैठक, इसमें भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं से हुए नुकसान का हाल ही में जायजा लिया, साथ ही त्रासदे से उबरने के लिए हो रहे प्रयासों की समीक्षा भी की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अधिकारियों को आगाह किया कि मानसून अभी भी खत्म नहीं हुआ है, भविष्य में भी चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकारी तैयार है। जिले को 200 करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है और अदर बरसात का सबसे पहले नुकसान ही यहाँ पे शुरू हुआ था, बाद में ये दूसरे स्थानों पर चला गया, प्रदेश में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और हमने ये डायरेक्शन दी है कि हर हालत में जो है जो एसेंशियल सर्विसेज हैं हमारी वो बहाल रहनी चाहिए। किस ढंग से हम बिजली हमारे जिले में 100% बहाल हो चुकी है। तो हिमाचल के खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।